सूबाई वजीर सनत तजारत फिरोज सिद्दीकी साहब भी वहां मौजूद थे, तो वहां पर भी ताजिरों ने जो है सीएम की मौजूदगी में ये बात का मुतालबा किया था कि पुलिस को कराची शहर से आप बाहर भेज दें तो कराची शहर में अमन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताजिरों ने बराह रास्त जो है वो पुलिस पर अदब एतमाद का इजहार किया है और उनका कहना है कि इन जरायम पेशा अफराद के साथ जो है ये पुलिस वाले जो है वो इसमें मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से जो है ये जरायम खत्म नहीं हो रहा। तो लिहाजा आज कराची ताजिर इत्तेहाद ने हड़ताल की अपील की है, तो लाजमी सी बात है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और दीगर सनअती एरिया के एसोसिएशन से उन पर भी दबाव पड़ेगा कि वो उनका साथ दें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हसन आपका, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में ताजिरों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, आज भी शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बत्तना देने पर फायरिंग की गई, जिससे साबिक एमपी शाकिर अली के भाई जहां बहक जबकि दूसरे जख्मी हो गए। इस वाकये के बाद ये देखने में आया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कि जहानाबाद चौकी का इंचार्ज अमले समेत मुअत्तल कर दिया गया, ताहम कातिलों की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई जा सकी है, जबकि ताजिरों की जानिब से हुकूमत को दी गई मोहलत भी खत्म हो गई है। 72 घंटों की मोहलत दी गई थी सनअतकारों और ताजिरों की जानिब से हुकूमत को कि अमन अमान की सूरतेहाल को बेहतर बनाया जाए और ताजिरों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस तमाम तर सूरतेहाल के बाद ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि सुन्नी तहरीक ने ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से कल की जाने वाली हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो जाने के बाद कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सुन्नी तहरीक ने ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से इसकी जाने वाली हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। इसके हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सुन्नी तहरीक के रहनुमा शाहिद गौरी। शाहिद गौरी साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ, जी बताइएगा, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से मोहलत खत्म होने के बाद शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसकी सुन्नी तहरीक ने भी हिमायत की है। जी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने इसकी हिमायत की है, इनकी हड़ताल की, जो इन्होंने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, तो सरबरा सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवर खालिद साहब ने। अच्छा शायद गौरी साहब ये बताइएगा कि आप लोगों ने ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से कल की इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं, क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, हुकूमत को, ताजिरों को तहफ़ फराहम करने के लिए, किस तरह से सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए पहले तो बात यह है कि अमन अमान का मसला वो काफी अरसे से जो है बिगड़ा हुआ है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हो या हमारे हुक्मरान हो या हमारे जो मुंतखब हुक्मरान हैं वो तमाम अपनी जो भी वो पॉलिसी बनाते हैं उसमें नाकाम हो चुके हैं, और किसी तरह भी देख लें ना ताजिर बिरादरी ना आम आवाम ना मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी गुजारने वाले जो लोग मजदूर हैं